गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉम ब्यूटी शालू। और गाइस, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप देख सकते हैं, किसी ने मुझे बोला था, मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कि आप फेक नेल्स का एक वीडियो बनाएं कि उसे कैसे लगाते हैं। तो आज मैं उसी पर एक वीडियो बना रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। और आपको पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। तो आइए हम देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेल पेंट है नाइका की, बहुत ही प्यारा एक नेल पेंट है ग्रीन कलर का। और ये है नेल पेंट नेल ग्लू जो आपको इस नेल के साथ ही मिलेगी, देख सकते हो। और ये है नेल्स, फेक नेल्स जो कि मैंने लिए हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से भी मिलते हैं। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से ले लेना। इसमें ये है, मैंने ये लगाए थे तो ये टूटते नहीं है बहुत जल्दी ही, तो आप रख सकते हैं ऐसे। और इन्हें नेल पेंट मतलब जैसे हम इन नेल पे से अपनी नेल रिमूवर से नेल पेंट हटाते हैं, तो उसी तरीके से आप इस पे से भी हटा सकते हैं और इसे दोबारा रीयूज कर सकते हैं। बट और देख सकते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ जो, बल्कि हाथ से गिर जाते हैं तो वो गिर जाते हैं, बट मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ और रख लेती हूँ। तो ये देख सकते हैं, इस तरीके के आपको नेल्स मिलेंगे। ये पांच इसमें कैबिनेट बने हुए यहाँ पर, तो ये आपको अंगूठे का मिलेगा, कॉलम से बने हुए। तो इसमें सारे नेल्स के साइज के अकॉर्डिंग आपको नेल्स मिलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हर रो में आपको हर तरह का नेल्स का साइज मिल जाएगा जो आप ये पांच नेल्स पे लगा सकते हैं। तो ये बता दिया मैंने कि ये इस तरीके का होता है, नेल्स इस तरीके से होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है ये गाइस। हम नेल आर्ट बाहर से करा के आते हैं तो हमें मतलब 1200-1300 रुपए है, आप देख सकते हैं 1500 भी लगते हैं, बट हर तरह के नेल्स होते हैं। बट मुझे ये वाले नेल्स बहुत अच्छे लगते। तो आप देख सकते हैं, इस नेल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर अच्छे से नेल्स लगाएंगे मतलब, तो बहुत ही अच्छे नेल्स की फिनिशिंग भी आती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लगाना है। तो देख सकते हो आप, ये बहुत ही अच्छे नेल्स हैं, बहुत ही अच्छी नेल्स की क्वालिटी भी है, तो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं अगर आपके नेल्स पे अच्छे से स्टिक हुए हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये कैसे लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेल्स अंगूठे का नेल है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का। तो ये वाला जो इसका एरिया है, अगर आपके पास क्यूटिकल्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो आप ये एरिया देख सकते हैं यहाँ पर, ये राउंड शेप का। तो हमें इसको, ये जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, इनको हमें अंदर करना है ऐसे, इस तरीके से, ताकि हमारे ये बिल्कुल भी फेक नेल्स ना लगे और हमारे एकदम प्रॉपर इस तरीके से ये नेल्स आ जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देख सकते हो आप। तो आप देख सकते हैं, इसको बिल्कुल ऐसे लगा लेंगे तो बिल्कुल भी ये फेक नेल्स नहीं लगेंगे कहीं से भी। तो मैं अभी आपको लगा के दिखाऊंगी, बट पहले आपको बता देती हूँ कि ये कैसे लगाना है। तो आपके नेल्स पे अगर नेल पेंट है तो आप इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं, मेरे नेल्स पे कोई नेल पेंट नहीं है, बट मैंने लगाया था तो थोड़ा ये ऐसा हो गया, अभी कल परसों में ही थोड़ा सा हटाया है, तो हटाया है तो ये ऐसा, क्योंकि मेरे को गाइज इसकी आदत से हो गई है। अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप उन्हें काट लें, वरना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं तो मैं इन्हें अभी काट लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये नेल्स काट लिए हैं और यहाँ पर मैं अभी इसे लगाऊंगी। और पहले मैं ये अपने क्यूटिकल्स जो है वो थोड़े से ठीक कर लेती हूँ। तो हमें ये जो यहाँ पर होता है, इसमें थोड़ी सी जगह बनानी है, स्पेस बनाना है, ताकि ये हमारे नेल्स जो हैं वो अच्छे से फिट हो सके। तो हमें इसी नेल्स के कर लेना है, अगर ये नेल्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना है और इसके बाद हमें लगानी है इसकी ग्लू, आप देख सकते हैं। तो मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी और ये बहुत ही अच्छी ग्लू है, हमें सिर्फ एक ड्रॉप ही लेना है इस ग्लू का, आप देख सकते हो यहाँ पर है। और इसी से हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे इसे फैला लेंगे यहाँ पर, तो हम थोड़ी देर के लिए इसे सुखा लेंगे, ठीक है। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए सुखा के और इसे बिल्कुल यहाँ पर स्टिक कर लेंगे, और इसे हमें थोड़ी देर के लिए रखना है ऐसे दबा के अच्छे से। तो ये बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएंगे,
बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गए हैं, और आप इसमें कपड़े धोइए, बर्तन मांजिए, घर का काम करिए, कुछ भी करिए, तो बिल्कुल भी नहीं ये कहीं जाते हैं। अब सोचिए अगर मतलब घर का काम कर रहे हो तो क्या नेल्स की मतलब एकदम वो होगी कि इतने अच्छे नेल्स होंगे, इतनी अच्छी ग्लू होगी इसकी, तो बहुत अच्छे नेल्स हैं ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। और अब मैं सारे लगा लेती हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मैंने सब नेल्स पे नेल्स लगा लिए हैं सी। और अब मैं इसकी शेप बनाऊंगी थोड़ी सी, तो जैसे कि हम अपने रियल नेल की नेल शेप बनाते हैं, तो हमें उसी तरीके से बनानी है, और बिल्कुल बेफिक्र होके बनानी है, क्योंकि ये नेल्स अब बिल्कुल कहीं नहीं हिलने वाले हैं। तो मैं इसकी नेल्स की शेप बनाऊंगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कॉर्नर, तो ये आपको हार्म कर सकते हैं, लग सकते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के नेल्स आते हैं, बिल्कुल राउंड वाले भी आते हैं, तो आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कोई से भी नेल्स ले सकते हैं। तो मेरा मन ये वाला नेल्स लेने का था, क्योंकि वो मेरे ओरिजिनल शेप मैं हमेशा ही रखती आ रही हूँ, तो इस तरीके के नेल्स मेरा मन था लेने का, तो मैंने वो लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारे नेल्स की शेप बना ली है, आप देख सकते हैं। तो आप इस पे कोई भी नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, अब ये बिल्कुल रेडी है, और बिल्कुल नेल पेंट आप इस पे लगा सकते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, आप देख सकते हैं। मैं इसे बहुत तेज से खींच रही हूँ, बट ये कहीं नहीं जा रहे हैं सी। बहुत अच्छा, आप कुछ भी इससे कर सकते हो, बहुत कुछ भी, मैं तो इनसे आटा भी गूंद लेती हूँ, बहुत अच्छे हैं। पर आप इन्हें हमेशा, चाहे ओरिजिनल हो चाहे ये फेक हो, इन्हें हमें हमेशा ब्रश से क्लीन रखना चाहिए, नहीं ऐसा हमारे यहाँ पर जो है ये डर्ट हो जाता है, तो हमें हमेशा इसे ब्रश से क्लीन करना चाहिए, तो वो अच्छी बात है, वो तभी आप नेल्स रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ये नायका की नेल पेंट, क्योंकि मैं इसे फर्स्ट टाइम नायका की नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ, मैंने ये अभी मंगाई थी, और उसका शेड मैं देखती हूँ क्या आता है। तो आप देख सकते हैं ये नेल पेंट मैंने इस पे अप्लाई कर लिया है, और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप चाहे तो कोई सी भी नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये इजीली लग जाते हैं, कुछ ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता इनमें, तो बहुत ही अच्छे नेल्स लगते हैं गाइज, आप देखते होंगे। सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं ये, तो आप इन्हें लगा सकते हैं और अपने अपने हाथों को बहुत सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि नेल्स थोड़े से आ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप इस पे कोई भी नेल आर्ट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो एक नेल्स पे बहुत ही प्यारा नेल आर्ट भी कर सकते हैं, बट मेरे को यही वाले पसंद आ रहे थे इस टाइम, तो मैंने यही वाले लगाए हैं। आप कोई भी ग्लिटर नेल पेंट लगा सकते हैं। तो बस यही था आज का मेरा वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वो भी मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही एक नोटिफिकेशन बेल आती है तो गाइस उसे भी हिट कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।